इजराइल और हमास जंग के बीच विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन और इजराइल में फंसे भारतीयों के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस कंट्रोल रूम को बनाने का मकसद इजराइल में हालात पर नजर बनाए रखने और वहां फंसे लोगों को सूचना और सहायता प्रदान करना होगा। बता दें कि हमास के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध के बीच लगभग 18,000 भारतीय नागरिक अभी भी इजराइल में रह रहे हैं। जंग के बीच भारतीय दूतावास ने बुधवार को इजराइल में अपने नागरिकों से शांत और सतर्क रहने का आग्रह किया है।